वैसे तो अफगानिस्तान में 50,000 सालों से इंसानों के रहने के सबूत मिलते हैं। कंधार के करीब पुरातात्विक स्थल मुंडीघाट में लगभग 2000 ईसा पूर्व से अधिक के कई अवशेष मिले हैं, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जा सकता है। तथागत बुद्ध का काल आते आते अफगानिस्तान में पारसी और वैदिक धर्म का प्रभाव आने लगा था। वैदिक मान्यताएं और परंपराओं का विकास काफी हद तक हो चुका था। संभवतः ऋग्वेद के कई खंड अफगानिस्तान में ही रचे गए हैं। ऋग्वेद में कुभा नदी का जिक्र मिलता है, जो आज की काबुल नदी है। ऋग्वेदिक का काल प्राकृतिक शक्तियों के उपासना का काल था। वर्षा, अग्नि, वायु, सूर्य आदि प्राकृतिक शक्तियों को ही ईश्वर का रूप समझा जाता था। इन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा यज्ञ व हवन के जरिए होती थी, मगर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में हम प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण देखते हैं। वर्षा के देवता इंद्र, स्वर्ग के राजा, वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली देव थे और वेदों में सबसे पुराने ऋग्वेद का सबसे बड़ा हिस्सा देवराज इंद्र के ही प्रति समर्पित है। और हमें प्राचीन गंधार का भी जिक्र महाभारत में मिलता है। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक का काल आते आते इंद्र सहित अन्य वैदिक देवताओं की मानव रूप में कल्पना की जाने लगी। प्राचीन समय से ही अफगानिस्तान बड़े गहरे से भारतीय धर्म और संस्कृति का अभिन्न अंग था और इसी समय बुद्ध के संदेश अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचे। प्रसिद्ध भिक्षु चीनी यात्री वेंगसांग के अनुसार बुद्ध के पहले शिष्य अफगानिस्तान के बल्ख इलाके से ही थे, जिन्होंने बुद्ध के बालों के गुच्छों पर स्तूप बनवाया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के काल के पश्चात बौद्ध संघ प्रणाली और बौद्ध विहारों का विस्तृत रूप से अफगानिस्तान में विकास हुआ। अफगानिस्तान सिल्क रोड पर स्थित होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध धर्म व्यापारिक और मुख्य शहरों का मुख्य धर्म बन गया। वहीं पर उत्तर वैदिक काल की मान्यताएं अफगानिस्तान के गंधार व अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण भागों में बनी रहीं। ईसवी पहली शताब्दी का काल आते आते बौद्ध धर्म का विचारों, सिद्धांतों और दार्शनिकता में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस वजह से यहाँ के वैदिक धर्म, पारसी धर्म और ग्रीक मान्यताओं को भी अपने अंदर समाविष्ट होते हुए देखा जा सकता है। अफगानिस्तान के प्रसिद्ध बौद्ध विहार और बौद्ध शिक्षा पद्धति का अभूतपूर्व बदलाव हुआ, जिसने अन्य सभी मान्यताओं को नतमस्तक कर दिया। इसी प्रकार का बदलाव हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में सम्मान दिया जाने लगा और बड़े पैमाने पर स्तूपों और बौद्ध प्रतीकों का निर्माण किया जाने लगा। सुदूर महाराष्ट्र में भांजा की गुफाओं में बौद्ध स्तूपों की रखवाली करते हुए इंद्र और सूर्य देव को देखा जा सकता है और यह वैदिक परंपराओं का बुद्ध के प्रति समर्पण देखा जाता है। कुछ इसी प्रकार का उदाहरण हमें बिमरन से मिले बिमरन कास्केट में भी दिखाई देता है। बिमरन कास्केट पर एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसे आप विस्तार से देख सकते हैं। बिमरन कास्केट एक स्वर्ण पात्र है, जिसमें तथागत बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था। इस पात्र में बुद्ध के एक तरफ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा
और दूसरी तरफ देवराज इंद्र बुद्ध के समक्ष नतमस्तक दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार की और भी कई मूर्तियां गंधार से मिली हैं, जहां पर ब्रह्मा और इंद्र को बुद्ध से प्रभावित होते हुए देखा जा सकता है। इसी प्रकार की कला संस्कृतियां व मूर्ति कला में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव सभी धर्मों में देखा जा सकता है। और इसी समय उत्तर वैदिक मान्यताएं अपने आप को बदलते हुए ब्राह्मण धर्म का रूप ले चुकी थी। और इसी प्रकार की संस्कृति का प्रभाव अफगानिस्तान में भी देखा जा सकता है। हालांकि प्रारंभ में बुद्ध का सांकेतिक रूप में चलन स्तूपों में ही देखा जाता है और काबुल के करीब टोपदरा में एक विशाल का स्तूप इसी का उदाहरण है। टोपदरा के विशाल का स्तूप को देखकर समझा जा सकता था कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में बौद्ध संकेतों का चलन था। आगे चलकर पहली शताब्दी के कनिष्क के काल से मूर्ति कला का विस्तृत विकास हुआ और वैदिक धर्म के देवी देवताओं के मंदिर बने और उनकी पूजा शुरू हुई। इसी काल का उदाहरण है अफगानिस्तान के खैर खाना का सूर्य मंदिर। खैर खाना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहां से 6वीं से 7वीं शताब्दी की दो विशाल मंदिरों के भवन मिले हैं। यहां से सफेद संगमरमर की दो प्रतिमाएं मिली हुई हैं। पहली प्रतिमा में सूर्य देव को बैठे हुए देखा जा सकता है। उनके रथ को दो घोड़ों द्वारा खींचते हुए भी देखा जा सकता है और सूर्यदेव के दो सहचर दंडा और पिंगला भी दिखाई देते हैं। सूर्य एक प्रकृति के देवता है जो अंधेरों के भय व बुरे सपनों से बचाते हैं। वे विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। इन प्रतिमाओं में ईरानियों के सूर्य पंथ की भी झलक दिखाई देती है। और यहीं पर सूर्य देव की एक और प्रतिमा खड़ी अवस्था में पाई गई है, जो अपने दो सहचरों के साथ मध्य में खड़े हैं। वर्तमान में इन दोनों प्रतिमाओं का स्थान अज्ञात है। 1993 के तालिबान के आक्रमण में इन्हें काबुल के म्यूजियम से चुरा लिया गया था और संभवतः इन्हें नष्ट कर दिया गया है। और इसी श्रृंखला में गजनी के टेपे सरदार, जो काबुल को कंधार से जोड़ती है, वहीं पर टेपे सरदार स्थित है। टेपे सरदार में कई बुद्ध विहार मिले हैं, जिसमें भारी संख्या में बौद्ध स्तूप और बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। टेपे सरदार के कक्ष क्रमांक 23 में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली है, जिसमें उनकी तीसरी आंख को देखा जा सकता है, जो महिषासुर भैंस रूपी दानों का वध करती हैं। भैंस की मूर्ति के निचले भाग को आप देख सकते हैं और इसे और विस्तार से जानने के लिए आप अलग से बने इस वीडियो में इसे विस्तार से देख सकते हैं कि देवी दुर्गा का रूप महिषासुर मर्दिनी की पूजा हम अफगानिस्तान में देख सकते हैं। टेपे सरदार से देवराज इंद्र की भी प्रतिमाएं मिली हैं और कक्ष क्रमांक 87 से अग्निवेदियां भी मिली हैं, जो पूजा अनुष्ठान की बात को दर्शाती हैं। 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में इस्लामी आक्रमण शुरू हो गए थे और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के बौद्ध विहारों को लूटा और उन्हें नष्ट किया, जिसने पूरी तरह से बौद्ध के शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर दिया। इनका नतीजा यह हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन अफगानिस्तान में शुरू हो गया। अरब के इस्लामी आक्रमणों की वजह से दक्षिणी और पश्चिमी अफगानिस्तान से लोगों का पलायन शुरू हो गया और लोग काबुल और उत्तरी अफगानिस्तान की तरफ
भाग गए और ईरानी समुदायों की तरफ से अफगानिस्तान और सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। हिंदू शब्द का अर्थ है सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग। चूंकि ईरानी भाषाओं में स की ध्वनि ह से होती है तो उन्होंने सिंधु को हिंद कहना शुरू किया, जिसका प्रमाण है अफगानिस्तान के हिंदू कुश के पर्वत, जिसका अर्थ था कि हिंदू कुश के पर्वतों के पार रहने वाले हिंदुओं का स्थान। तो हिंदू शब्द सभी प्रकार के लोगों को कहा गया, चाहे वो उत्तर वैदिक धर्म को मानने वाले हों या बौद्ध या और कोई। तो हिंदू कुश के पर्वत अगले 300 साल तक इस्लाम को काबुल के क्षेत्र में आने के लिए रोक कर रखा और इसके साथ ही साथ कमजोर हो रहे बौद्ध धर्म को, बुद्ध को हिंदू धर्म के द्वारा नौवा अवतार घोषित किया और इसी वजह से बचे खुचे बौद्ध धर्म के लोग दसवीं शताब्दी आते आते हिंदू धर्म में समाविष्ट हो गए। और इसी काल के उदाहरण हमें काबुल के करीब दिखाई देते हैं। काबुल के करीब 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ टेपे सिकंदर में भी हमें उमा महेश्वर का मंदिर दिखाई देता है और यह अफगानिस्तान में शिव पार्वती के हिंदू मंदिरों का होने का प्रमाण देती है। 1970 से लेकर 1978 की खुदाई के दौरान टेपे सिकंदर में उमा महेश्वर की जोड़ी मिली है। यहाँ पर शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ नंदी बैल पर बैठे दिखाई देते हैं। शिव व पार्वती का सुंदर आभूषणों और मुकुटों से सजावट किया गया है। गले में माला, कान के आभूषण की सज्जा भी बड़ी आकर्षक है। प्रतिमा के निचले हिस्से में लिखे गए लेख दिखाई देते हैं जिसमें इस प्रतिमा का वर्णन है। इसी काल में अफगानिस्तान के हिंदू मंदिरों की श्रृंखला में कापिसा के करीब तगाओ से बौद्ध विहारों के साथ साथ हिंदू मंदिर मिले हैं। यहाँ की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला है। यहाँ से देवी दुर्गा की प्रतिमा का सर मिला है जो संभवतः 9वीं से 10वीं शताब्दी का है। यहाँ से एक खंडित प्रतिमा मिली है जिसके चार हाथ प्रतीत होते हैं और उन्होंने धोती पहनी है जो भारतीय पहनावे का एक मुख्य हिस्सा था और यह अपने आप में किसी भारतीय देवता होने की पुष्टि करता है। काबुल से 125 किलोमीटर दक्षिण में गर्देज में कई हिंदू मंदिर मिले हैं। इसमें 9वीं शताब्दी की दो प्रतिमाएं बड़ी उल्लेखनीय हैं। पहली प्रतिमा संगमरमर की महिषासुर मर्दिनी की है। सफेद संगमरमर से बनी महिषासुर मर्दिनी भैंस रूपी दानव महिषासुर का वध करते हुए देखी जाती हैं। देवी के कई हाथों को देखा जा सकता है। देवी की मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई है। 9वीं शताब्दी के हिंदू शाही राजाओं के काल के ही सफेद संगमरमर से बने एक मुख लिंग मिले हैं जिसमें शिवलिंग के ऊपर शिव का चेहरा बना हुआ है जिसमें उनकी जटाओं को देखा जा सकता है। इसमें शिव की तीसरी आंख भी दिखाई देती है। इस प्रतिमा में शिव के बाल दोनों तरफ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनकी कलाकृति काफी हद तक कश्मीर के शैव मत की कलाकृतियों से प्रभावित दिखाई देती है। इसी अफगानिस्तान के गर्देज से मिली गणेश की प्रतिमा अपने आप में बड़े प्रभावशाली रूप में दिखाई देती है। सफेद संगमरमर से बनी यह प्रतिमा 5वीं शताब्दी की है। गणेश की मूर्तियों को मुकुट से शोभायमान किया गया है। गले में माला और उनके सूंड के उभार को हम स्पष्टतः देख सकते हैं।
मूर्ति के निचले भाग पर हमें एक लेख दिखाई देता है जिसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस लेख में इस मूर्ति की तिथि का उल्लेख है और वह 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी के शुरुआत का दिखाई देता है और इसमें लिखा गया है महाविनायका महाधिराजा श्री शाही खेमगालो। तो इस प्रकार से शाही राजाओं की तरफ से इन्हें बनवाया गया था। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान में हिंदू धर्म 10वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं के अधीन फलता फूलता रहा, मगर 10वीं शताब्दी में हिंदू शाही राजा जयपाल देव के शासनकाल तक अफगानिस्तान में हिंदू धर्म सुरक्षित रहा, मगर गजनी के महमूद से हुए युद्ध में राजा जयपाल देव की हार हुई और हिंदू मंदिरों और बौद्ध विहारों के विनाश में और तेजी आ गई। पूरे अफगानिस्तान के हिंदू मंदिरों और बौद्ध विहारों को लूटकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। हिंदुओं और बौद्धों को बड़े पैमाने पर मारा गया। लगभग 5 लाख हिंदुओं और बौद्धों को इस्लामी शासकों द्वारा गुलाम बना लिया गया। पुरुषों को गुलामों के रूप में बेचा जाने लगा। उनकी परिवार की महिलाओं और बच्चों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। बाजारों में उनकी बोलियां लगने लगी और उनका जीवन जानवरों से भी बदतर हो गया। तो इस प्रकार इस्लामी राजतंत्र के नियंत्रण में आने के बाद अफगानिस्तान में धीरे धीरे हिंदू और बौद्ध धर्म को जड़ समूल से उखाड़ दिया गया।